इकाई का अंक को कैसे निकालेंगे अपन। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन इकाई के अंक के अंतर्गत बनते हैं। आप पुराने क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं जिसमें जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके। अब देखिए इकाई का अंक, विद्यार्थी गण क्या करते हैं, सबसे पहले ये कर दिया, फिर आपको ये करेंगे और फिर जो है दो को इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर यहाँ पर ये लगाएंगे काटो, फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे करके समय की बर्बादी बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा करने से बचना है और आगे कम समय के अंतर्गत अपन को किस टाइप से गुणा करना है तो वो अपन जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अभी। देखिए आपको क्या करना है कि ये तो मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो उसके अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपना कि इकाई, दाई, सैकड़ा, ये जो टेबल बना करके मैंने आपको बताई थी, तो उस टाइप से अपन को चलना है। सबसे अपन को पूछ रहा है यहाँ पर इकाई का अंक, तो इकाई का अंक अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अपन इकाई का अंक इस टाइप से ज्ञात करेंगे। अपन को इकाई का अंक लेना है यहाँ से, छः को गुणा करना है दो से, छः दूना कितना है बारह, वापिस यहाँ से वापिस दो को इकाई का अंक लेना है, दो को चार से गुणा करना, चार दूना कितने होते हैं आठ, ये आपके इकाई का अंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चार, चारों पंजे बीस, इकाई का अंक इसमें जीरो है, ये आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे इसको शेयर कीजिए।